नमस्ते दोस्तों, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द कुराइडियल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अब पहला बॉस है इस पार्ट 3 का सिम्बियोटिक सुप्रीम, और उसके लिए मैं लेके जाऊंगा ह्यूमन टॉर्च। तो साइंस में आप कोई सा भी चैंपियन लेके जा सकते हो सिम्बियोटिक सुप्रीम के लिए, और किसी भी साइंस के चैंपियन से इसको बहुत ही आराम से मार सकते हो। तो मैं ह्यूमन टॉर्च लेके जा रहा हूँ। वैसे अगर इसके काउंटर्स बताऊँ तो सी हल्क रहेगी, और ह्यूमन टॉर्च, स्पाइडरमैन 2099, स्कॉर्पियन। साइंस का हर चैंपियन इसको बहुत ही आराम से मार सकता है, लेकिन ह्यूमन टॉर्च इसको थोड़ी और जल्दी मार सकता है, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च इंसानेट का डैमेज भी बहुत तगड़ा देता है। और ध्यान रखना, इसको बीच बीच में ना इम्यूनिटी आती है कि उसकी स्टन इम्यूनिटी की, मतलब बीच में ये पैर ही नहीं होएगा जब भी ये स्पेशल छोड़ेगा। देख सकते हो इसने स्पेशल छोड़ा तो इसको स्टन इम्यूनिटी आई हुई है, मतलब अभी ये पैर ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो और इस बात में और ध्यान रखना कि अगर ये स्टैगर लगाता तो आपको वो चैंपियन नहीं लाने हैं जो भाई बफ गेन करे। जैसे ही कोई चैंपियन आप लाओगे जो बफ गेन करे तो दिक्कत हो जाएगी, और आपको इसको नॉक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर प्रोटेक्शन लगी पड़ी है। प्रोटेक्शन डाउन करने के लिए आपको इसको नॉक डाउन करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको नॉक डाउन कैसे करोगे। तो नॉक डाउन करोगे तो आपको एक फ्यूरी मिलेगी, तो फ्यूरी आपका थोड़ा डैमेज बढ़ा देगी। तो आप स्पेशल से या फिर हैवी मार के नॉक डाउन कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमिंग मैनेज करनी पड़ेगी कि आपको कैसे मारना है, ठीक है। और इसका SP2 अगर डेक्स करना नहीं आता तो ब्लॉक पे ले लो, डेक्स करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। और ह्यूमन टॉर्च ने इसको बहुत ही आराम से मार दिया है। बस ध्यान रखो कि कैसे इसका टाइमिंग मैनेज करनी है अपने प्रोटेक्शन हटाने के लिए। और रैलिक तो पक्का लाओ, ताकि रैलिक थोड़ी आपकी हेल्प कर देगा इसकी प्रोटेक्शन डाउन करने में। और इतनी भी मुश्किल फाइट नहीं है, आराम से कर लिया हमने ह्यूमन टॉर्च के साथ। अब ये वाली फ़ाइट है भाई हमारी सिम्बियोटिक दूसरी सोर्सर सुप्रीम के साथ है, तो जिसके लिए मैं हल्क लेके आया हूँ, ठीक है। तो हल्क की आगे ज़रूरत नहीं है, तो इसको हल्क को यहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन यार मैंने ना गलती से ना सिम्बियोटिक सोर्सर सुप्रीम को मैंने SP3 पे पहुँचा दिया था, जिसके चक्कर में मेरा ना हल्क मर गया, जिसके चक्कर में मेरी ना इस फाइट में एक रिवाइव लग गया। वैसे इस फाइट में रिवाइव लगने की कोई दिक्कत नहीं थी, रिवाइव लगना भी नहीं चाहिए था, बस यार एक गलती होगी कि ना मैंने इसको गलती से SP3 पे पुश कर दिया, जिसके चक्कर में भाई ये ना SP3 पे पुश होगी और मैं पूरा ख़त्म हो गया। वैसे भाई बहुत इजी फाइट है ये, हल्क के साथ आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, या फिर किसी भी साइंस के चैंपियन के साथ आप ये फ़ाइट बहुत ही आराम कर सकते हो। अगर साइंस का चैंपियन नहीं है तो आप ला सकते हो क्या नाम है केट बिशप, वैसे बहुत सारे चैंपियन हैं जिसको आराम से मार सकते हैं। बस आपने अनब्लॉकेबल का ध्यान रखना और इसकी पावर गेन का ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन मत करवा देना। अगर ये डिफेंसिव होगी पावर गेन के टाइम तो फिर ख़त्म हो जाओगे आप, जैसे मैं अब हो गया। तो ध्यान रखना इसके पावर गेन के टाइम। और एक रिवाइव लग गया मेरा, तो कोई नहीं, अब लग गया तो मैं दोबारा रिस्टार्ट तो करके आ नहीं सकता था। चलो कोई नहीं है भाई, रिवाइव लग गया तो लग गया, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। मेरे ख्याल से स्टन इम्यूनिटी में मैं इसको SP1 वाले हल्के ना फंसा दूंगा ना, तो शायद ये नहीं निकल पाएगी उसमें से, और तब तक मैं इसको बहुत आराम से मार सकता हूँ। बस हमने 13-14 फ्यूरी गेन कर लिया, अब मैं इसको स्टन लॉक में फंसा दूंगा हल्के, और ये मेरे ख्याल से बहुत आराम से मर जाएगी। और डैमेज भी हल्का इतना तगड़ा है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मुझे मारने में। और मैं हैवी इसलिए स्पैम कर रहा हूँ ताकि मेरी पावर गेन जल्दी हो। और ये SP1 का रोटेशन ही बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेशल का डैमेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। SP1 का 19% तक पहुँच गई है। बस अब बहुत आराम से इसको मार दूंगा मैं, अभी तो मेरे 5 चार्जेस और बचे हुए हैं, आराम से मार दूंगा मैं इसको, ख़त्म हो जाएगी फाइट। और ये होगी ख़त्म फाइट, आराम से हल्क से निपटा दी हमने। अगली फ़ाइट पर चलते हैं। अगली फ़ाइट है भाई हमारी, भाई मेरे को याद नहीं है, मेरे ख्याल से ना एल्सा ब्लडस्टोन के साथ फ़ाइट है शायद से, एल्सा ब्लडस्टोन नहीं, वॉरलॉक के साथ है, याद आ गया, एल्सा ब्लडस्टोन के तो पहले वॉरलॉक है, तो वॉरलॉक से हमारी फ़ाइट है। तो वॉरलॉक के लिए मैं गैलन लेके आया हूँ, और गैलन भाई इसके लिए अच्छा खासा काउंटर है, लेकिन इसमें मेरा एक रिवाइव लग गया, क्योंकि ना भाई डीजेन का डैमेज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मिल रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप येलो वाला चार्जेस देख सकते हो ना, गैलन के ऊपर चल रहा है येलो वाला चार्ज, तो उस येलो वाला चार्ज जब तक चल रहा है ना, तब तक आप स्पेशल नहीं छोड़ सकते। अगर आपने वो येलो वाला चार्ज रहते रहते अपने स्पेशल छोड़ा तो आपको डीजेन मिलेगा, ठीक है, और बहुत तगड़ा डीजेन मिलेगा, तो मत छोड़ना। देखो जब भी आप स्पेशल छोड़ोगे तो आपको ये येलो वाला चार्ज आपका स्टार्ट हो जाएगा, और येलो वाला चार्ज स्टार्ट होते हुए आपने दूसरा स्पेशल कोई भी छोड़ा तो आपको डीजेन मिलेगा बहुत तगड़ा, तो मत छोड़ना। और गैलन के बस चार्जेस बना के हैवी प्रोटेक्शन में है, तो पैरी करके हैवी मारना है और SP1 छोड़ देना, जिससे बहुत तगड़ा वॉरलॉक को डैमेज मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन ये फ़ाइट आप बहुत ही आराम से निपटा सकते हो, ज़्यादा मुश्किल फ़ाइट भी नहीं है।
और बताओ तो भाई, देखो बस एक आप स्पेशल का ध्यान रखना कि आपको स्पेशल नहीं छोड़ने। देखो जैसे 2000 का डीजन का डैमेज मिला मेरे को, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डीजन का डैमेज मुझे क्यों मिल रहा है। फिर मुझे बाद में वीडियो जब मैंने देखी ना वॉइस ओवर के लिए, तब मुझे समझ आया कि मेरे को डीजन का डैमेज बार बार क्यों मिल रहा था। ठीक है, तो आपको वॉरलॉक को ऐसे ही मारना है, बार ऐसे ही करके मारना है। गैलन के चार्जेस गेन करवाओ, इसको हैवी प्रैपैरी करके हैवी करके प्रोटेक्शन हटाओ, फिर मारो ताकि आपको अच्छा खासा इसको डैमेज दे पाओ। लेकिन प्रोटेक्शन के अंदर अंदर अपना स्पेशल मत छोड़ देना, वरना बहुत तगड़ा डैमेज पड़ सकता है आपको भी। और यार मेरा एक रिवाइव लग गया इसमें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मेरे को डीजन का डैमेज भी मिल रहा है और ये प्रोटेक्शन आ रही थी इसको बार बार, जिसकी वजह से मैं इसको ना SP1 मार रहा था तो डैमेज भी नहीं मिल रहा था। और इस पर एक नोड और है, बबल शील्ड। तो बबल शील्ड जब भी आपके ब्लॉक पे ये 10 हिट मारेगा, जो 11वां हिट आपके ब्लॉक पे आएगा ना, वो होगा भाई अनब्लॉकेबल। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका भी। और इसमें एक और नोड है कि जब भी आप SP1 मारोगे तो आपको वीकनेस लग जाएगी, और आप SP2 मारोगे तो आपको फ्यूरी मिलेगी। तो SP2 का आपका ज़्यादा डैमेज है, SP1 का कम है। तो वॉरलॉक की फाइट में मैं सच बताऊँ तो पहले अपने चार्जेस अच्छे खासे बना लो। ठीक है, तो फिर एक हैवी मारो और नॉकडाउन करके एक स्पेशल छोड़ दो, और ये फाइट बहुत ही आराम से आप निपटा सकते हो। और बस एक ही रिवाइव लगा मेरा, इसमें मैंने इसको बहुत ही आराम से मार दिया, और ये बहुत डिफेंसिव हो रहा था, स्पेशल तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो थोड़ा टाइम दो, ब्लॉक पे मार के इसको पीछे पीछे करो और आराम से फिर आप इसको मारो। और इसके लिए अच्छे काउंटर्स बताऊँ तो मैं हरक्यूलिस रहेगा, गैलन रहेगा, माइस्ट्रो रहेगा। वैसे माइस्ट्रो तो बहुत ही कम लोगों के पास है, और अल्कलिंग भी बेस्ट रहेगा इसके लिए। और चैंपियंस बताऊँ मैं कॉस्मिक में गमोरा भी सही मेरे ख्याल से अच्छा काम कर सकती है। और एक मैंने गलती कर दी ना, जो अब मैंने वाला SP1 मारा था ना, वो मैंने इसकी प्रोटेक्शन बिना हटाए मार दिया था, जिसकी वजह से इसको डैमेज नहीं मिला, वरना तो ये मेरे ख्याल से उसी टाइम मर जाता। और ये देख सकते हो कि मुझे कितने सारे भाई चार्जेस एक ही बार में गेन हो गए हैं, क्योंकि मेरे ना इसने ना जब इसका वो लगी हुई थी ना, मेरे को क्या नाम है, रीजनरेशन लॉक, तब मुझे SP1 पड़ा इसका, तब जाके मुझे पावर इतने सारे चार्जेस गेन हुए वॉरलॉक के। तो आप पीछे करके देख सकते हो, और ये हमारी अब एल्सा ब्लडस्टोन के साथ फाइट है, जिसके लिए मैं लेके आया हूँ बिशप। तो भाई बिशप एल्सा ब्लडस्टोन के लिए बहुत अच्छा काउंटर है, और मैंने सोलो कर दी बिशप से फाइट। तो आपको इस फाइट में ध्यान रखना है कि ये थोड़ी मुश्किल फाइट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस फाइट में आपको, कि जब भी आप प्रोवर्स वाला चैंपियन लाओगे जो हाईएस्ट प्रोवर्स गेन करे, तो इसका अनस्टॉपेबल काम नहीं करेगा। और जब भी आप इसको नॉकडाउन करोगे तो इसको एक इवेड चार्ज मिलेगा, तो तब जब इसको इवेड चार्ज मिले तब इसको मारने मत जाना, नहीं तो भाई बहुत गंदा डैमेज मिलेगा आपको, बहुत ही गंदा। ठीक है, तो आपको अनस्टॉपेबल फेल करने के लिए प्रोवर्स रखने पड़ेंगे अपने ऊपर, या फिर ऐसा कोई चैंपियन ले आओ जो अनस्टॉपेबल को फेस कर सके या फिर इवेड को फेस कर सके, क्योंकि दोनों में से किसी एक को आपको फेस करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ फेस नहीं कर पाओगे। तो बिशप इसके लिए बेस्ट है, बिशप इसका अनस्टॉपेबल प्रोवेस गेन करके नलीफाई कर देगा, बिशप इसको अनस्टॉपेबल गेन नहीं करने देगा। और रही बात इसके इवेड की, तो इवेड तक चार्ज ख़त्म होने तक हम वेट कर लेंगे। और इसका SP1 डेक्स करना बहुत ईजी है, और अगर आपने इसको गलती से SP2 पे पहुंचा दिया है, तो SP2 भाई ब्लॉक पे लो डेक्स करने की, एक हिट भी डेक्स करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत तगड़ा डैमेज पड़ सकता है आपको। तो बस चार्जेस बनाओ और मारो इसको। मैं बस प्रोवस बना के अपने इसको SP2 मारूंगा बार बार, ताकि ये ख़त्म हो जाए। और भाई पैरी होने की, जो पैरी का टाइमर चल रहा है ना, अगर इवेड हो गया, ये इवेड चार्ज है इसके पास, और जब पैरी का चार्ज चल रहा है ना वो, तो उसी चार्ज के अंदर मारो अगर मारते हो तो। ऐसे मत मारना जब इवेड का चार्ज चल रहा है, वरना बहुत तगड़ा डैमेज मिलेगा, बहुत ही तगड़ा। और बिशप की एक और अच्छी बात है कि ये रीजनरेशन भी करता है, जिससे भाई थोड़ा टाइम और मिल जाता है। और SP2 आप देख सकते हो मैंने पूरा ब्लॉक पे लिया है, अगर गलती से SP2 पे पहुंचा दो तो ब्लॉक पे लो, ऐसे मारने की कोई जगह ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत गंदा डैमेज मिलेगा। बस 2% रह गया, तो एक मेरे ख्याल से मारूंगा रैलिक, तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़त्म फाइट, बहुत ही आराम से सोलो निपटा दी। और हमारी भाई अब इस पार्ट की आखिरी वीडियो है, और हमारी शायद फाइट अब केबल के साथ। तो केबल के लिए मैं चैंपियन सोच रहा था कि 6-स्टार डूम को लेके जाऊं या फिर 5-स्टार डूम को लेके जाऊं, लेकिन मैंने सोचा 6-स्टार डूम आगे काम आ जाएगा, तो 5-स्टार डूम को लेके चलते हैं, क्योंकि फाइट हम 5-स्टार डूम से भी बहुत इजीली निपटा सकते हैं। क्योंकि भाई केबल पे ना दो नोड लगे पड़े हैं, एक तो क्रश चार्ज का मतलब है जितने आप इसको हिट मारोगे उसको उतने क्रश चार्ज मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी वो स्पेशल छोड़ेगा तो क्रश चार्ज सारे ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उसकी पावर ड्रॉप नहीं होएगी, पूरी ख़त्म नहीं होएगी, बस उसके क्रश चार्ज ख़त्म होएंगे। अगर वो दूसरी बार क्रश चार्ज ख़त्म होने
के बाद स्पेशल छोड़ेगा तब जाके उसकी पावर खत्म होगी। लेकिन यार मैं ना इस फाइट को 5-स्टार डूम से बहुत ईजिली सोलो निपटा सकता था, लेकिन एक दिक्कत हुई कि ना पावर गेन डूम का ना डबल हो गया, मतलब पावर गेन इतना हो गया डूम का कि SP1 पे मैं पहुँच ही नहीं पा रहा, SP1 पे नहीं SP2 बन रहा था बार बार मेरा, जिसके चक्कर में ना यार इस फाइट में मेरा 5-स्टार डूम पे एक रिवाइव लग गया, लगना नहीं चाहिए था। देखो मैं भाई मारता हूँ लेकिन मेरा SP2 बन जाता है, SP1 नहीं SP2 बन जा रहा था बार बार, और बहुत मुश्किल से ये फाइट भाई एस कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि भाई पावर गेन इतनी बढ़ चुकी थी मेरी कि भाई SP2 पे डूम का SP3 का रोटेशन मार रहा था कि, लेकिन SP2 पे मेरे को इंतजार भी नहीं हो रहा था, और थोड़ी बहुत तो रैलिक ने बचा लिया, लेकिन भाई कब तक रैलिक बचाएगा, एक ही बार रैलिक आप यूज़ कर सकते हो फाइट में। पावर गेन इतनी तगड़ी हो गई यार कि मैं बार बार SP2 पे पहुंच रहा था, बार बार अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ रही थी मुझे बार बार, ताकि मेरा रिवाइव ना लगे, लेकिन लग गया था रिवाइव यार। अब क्या कर सकते हैं, वापस रीस्टार्ट करके तो आ नहीं सकता क्योंकि भाई बहुत आगे पहुंच गया था। देखो बार बार यार मैं अपना SP1 मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन लग गया था, लेकिन अब 9% पे जाकर रिवाइव लगा, बताओ 9% पे जाकर रिवाइव लगा। चलो कोई नहीं, अब लग गया तो लग गया, 20% का एक रिवाइव लगा था, और अब मैं इसको आराम से मार दूंगा। और ये फाइट मैंने स्लो भी नहीं करी, क्योंकि स्लो मतलब फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करी, क्योंकि आप मैं ये फाइट बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, और आपको दिखा भी सकता हूँ कि क्या दिक्कत हो रही थी कि ना डूम ना जब भी सामने वाले का पावर गेन नलीफाई करता है ना तो अपने ऊपर ले आता है, तो भाई उसके चक्कर में भाई बहुत तगड़ा डैमेज पड़ रहा था, बहुत ही तगड़ा, इतनी डैमेज तो शोरों क्या पड़ रहा था, बहुत ही तगड़ी पावर गेन हो रही थी। और ये लास्ट SP3 है, इसके बाद ही ख़त्म हो गया, अरे यार बचा भी, चलो ख़त्म हो गया, ये कॉम्बो के साथ ही ख़त्म हो गया। और ये फाइट भी हमने बहुत आराम से कंप्लीट कर ली। तो जो बॉस की फाइट है ना कैंक की, ये मैं सोलो लेके आऊँगा ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ, और ये खुद 10 मिनट की वीडियो रहेगी Part 5। तो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।